Dear friends, good afternoon. आप सभी कैसे हैं? मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आप सबके सामने रूबरू हो रहा हूं रिस्ट पुष्ट चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हुए। ये टॉपिक प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल टाइम में चिंता तो सब कुछ साथी है, पर प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही ज्यादा लोगों को सता रही है। टेंशन को एक पॉइजन के तौर पे भी लिया गया है, पॉइजन स्लो पॉइजन के तौर पे। स्लो पॉइजन का मतलब होता है जो आस्ता आस्ता अंदर को खोखला कर देता है, जिससे हमारा शरीर धीरे धीरे खत्म होता जाता है। इसे एक प्लेग का नाम भी दिया गया है, जिससे क्योंकि यह हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से खराब कर देता है और हमारे चेहरे का जो नूर है वो भी खत्म होता जाता है। हमारे चेहरे पे कोई खुशी नजर नहीं आती। चिंता को कई बार के कई कारण होते हैं। अगर चिंता हमें कोई काम करने के लिए दिया गया है, कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिया गया है, या कोई असाइनमेंट है जो हमें पूरा करना है, इस हालत में अगर हमें टेंशन होती है, जो होनी लाजमी भी है, और हम उस टेंशन से उस प्रोजेक्ट को टाइमली पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस तरह की टेंशन पॉजिटिव टेंशन कही जा सकती है, अच्छी टेंशन कही जा सकती है। यह हमारी जिंदगी में बहुत सी उपलब्धियां करवा सकती है और हम इससे तरक्की कर सकते हैं। इसी तरह से जो चिंता है वो बहुत ही नुकसानदायक है। अगर हम मौजूदा समय में चिंता का कारण देखें तो ये बिल्कुल सही नजर आता है, कोई भी इसको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मौजूदा समय में इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी जो COVID-19 का कहर बस रहा है, जिसके कारण बहुत से लोग हम में से अपने रिश्तेदार, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माता, किसी का पिता लूज कर चुके हैं, और लूज ही नहीं कर चुके हैं, उन्होंने एक ऐसा दौर देखा है जब उनके पास पैसा भी था, पैसा भी है, लेकिन कोई ऑक्सीजन के कारण, कोई वेंटिलेटर के कारण, या कोई एक्सपर्ट स्टाफ ना होने के कारण उनको ये देखना पड़ा, जिसके कारण उनका चिंता का होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि इस मुश्किल समय में डॉक्टर, सबॉर्डिनेट स्टाफ, गवर्नमेंट ऑफिशियल सभी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। 24 आवर्स काम किया है, पर ये COVID-19 जो है एक महामारी है, और इसका जो सेकंड फेज आई है एकदम इन अबंडेंस में आ गई है,
जिसने हम सभी को संभलने का मौका ही नहीं दिया, जिसके कारण क्या था कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की डिमांड है तो ऑक्सीजन नहीं है, बेड की डिमांड है तो बेड नहीं है, अच्छे सीजनड डॉक्टर्स की डिमांड है तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। इसमें किसी का भी दोष नहीं है, क्योंकि यह जो सब हुआ अचनाचेत हुआ, एकदम हुआ, किसी को अरेंजमेंट करने का मौका ही नहीं दिया गया। इसमें शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने और बाहर से दूसरे कंट्री से जिन जिन चीजों की कमी है वो इंपोर्ट करी है या सेवा में आई है, पर डिमांड इतनी है प्रेजेंट की कि जितना भी आ जाता है उतना ही कम है। अगर वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत है, पहले जो के 60 साल की उम्र को के लोगों के लिए थी, फिर यह नौजवानों के लिए आ गई है, और अब तो उन्होंने बच्चों तक देने का फैसला कर लिया है। इसके कारण जो भी है, जब तक किसी का कोई रिलेटिव अगर उसकी डेथ हो गई है तब भी, अगर वो हॉस्पिटल में पड़ा है तब भी, अगर उसकी कोई कोई चीज नहीं मिल रही है तब भी, वो पूरी कोशिश करने के बावजूद भी जब कुछ नहीं बनता तब वो ही जानता है जो भुक्त भोगी होता है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक स्मॉबलेटन इसका कारण आधुनिक युग की एक बहुत बड़ी प्लेग तक कह दिया है, चिंता को एक प्लेग का रूप दे दिया गया है, जो आज से तकरीबन 100 साल पहले हुई थी और तब भी बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी। चिंता सभी मानसिक बीमारियों में से सबसे सूक्ष्म और विनाशकारी हमारे दुखी होने का कारण है कि हमने मन में चिंताएं पाल रखी हैं। हम अपनी आदत के अनुसार जब समय नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल भी था, तब भी हम चिंताएं पाले हुए थे। अब तो हालात कुछ नॉर्मल नहीं है, चिंताओं का आना स्वाभाविक है। रिसर्च में से प्रूव हुआ है कि अर्थराइटिस जो एक बीमारी है, यह फालतू चिंता करने से हो जाती है। अब चिंता का हल भी है, अब हमने चिंता के बारे में डिस्कस कर दिया कि ये है, ऐसे है, ऐसे है, तो अब हमारे मन में ये ख्याल आता है कि क्या चिंता का कोई हल भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज का क्वेश्चन बना हो तो उसका आंसर ना हो। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि चिंता को अगर हम इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं तो चिंता की जगह चिंतन करो। अब चिंतन करना, जब हम प्रॉब्लम में हैं, जब हम डिफिकल्टीज में हैं, जब हमारे सामने हमारे रिश्तेदार मरते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे करें? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, हम अपना के देख सकते हैं कि हम डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग में जितना समय हम श्वास को अंदर लाने का समय ले उससे डबल बाहर निकालने में करें। एक तो ये हमारी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में हमारा काम करेगा, दूसरा जब हम इसे 5-10 मिनट करेंगे तो हम देखेंगे
कि हमारा मन कुछ समय के लिए सोचना बंद कर देगा, और जब सोचना बंद कर देगा तब हम खुशी महसूस करेंगे। इसमें शक नहीं है कि चिंता एक हानिकारक और विनाशकारी मानसिक आदत है, पर यह आदत हमें जन्म से नहीं मिलती। हम छोटे बच्चों को देखें, वो उसका चेहरा कितना खुशी से भरा हुआ होता है, वो चिंता में नहीं होता। ये चिंता की आदत हम परिस्थितियों में या अपनी संगत में सीखने लग जाते हैं, ये हमें जन्म से नहीं मिलती। जो चीज हम सीखते हैं, मैं जन्म से नहीं मिली, हमने सीखी है, उसे हम छोड़ भी सकते हैं। हमें चिंता को दिमाग से निकालना पड़ता है। चिंता का हल चिंतन या पुरुषार्थ है। अगर हमें चिंता ज्यादा सता रही है, उसी समय भी समय ही हमने किसी काम में लग जाना है। जब मन ना चाहते हुए हमने काम में लग जाना है, जब हम किसी काम में लग जाएंगे तो हम देखेंगे कि कुछ समय के लिए हमारी जो चिंता है दूर हो जाएगी, या हाँ चिंता हम भूल ही जाएंगे। मौजूदा समय में चिंता का हल जो COVID-19 के कारण है, उसके लिए हमारे डॉक्टर्स, सबॉर्डिनेट स्टाफ, गवर्नमेंट ऑफिशियल और दूसरे हेल्पिंग हैंड की तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी हो रहे हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए। और जो है हमसे कोऑपरेशन मांग रहे हैं, वो हमारी तरफ से भी देना बनता है। वो कोऑपरेशन क्या है? फेस पे मास्क लगाना, घर पे रहना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, साबुन से लगातार हाथ धोना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना आदि हमारी जिम्मेवारी है। जब हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और जो इसमें महामारी चल रही है उससे बचे रहेंगे, तो हम चिंता से भी बचे रहेंगे। हम सभी, समय ऐसा है कि सभी लोगों के कामकाज बंद हो गए हैं, सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, फिर भी अगर आंकड़े सुधर रहे हैं या बता रहे हैं, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। हमें 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखना है, बाहर ना जाने देना है। कोरोना सेतु ऐप डाउनलोड कर लेनी है। अगर हमारे कोई पास जरूरतमंद है और हमारे पास बजट है, परमात्मा की रहमत है, तो हमने उसकी मदद बिना कहे करनी है। जो भी गाइडेंस हमें दी जाती है उन्हें माने और उनके पालन करने की कोशिश करें। ऐसे समय में परमात्मा का नाम जिस भी तरीके से हम लेते हैं, वह हमारी चिंता दूर करने में मदद करता है। सबसे पहले हमने समझना है कि चिंता चिता समान है। भाव जैसे चिंता चिता में हमारा शरीर जल जाता है, इसी तरह से चिंता में भी हमारा शरीर बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। भाव जैसे चिंता हमारे शरीर को जलाकर राख बना देती है या खोखला बना देती है, चिंता भी इसी तरह से करती है। अब महापुरुषों ने
बहुत अच्छी बात कही है, चिंता को मिटाने के लिए चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए, अनहोनी होए नहीं होनी हुए सो हुए। कुछ भी उस परमात्मा की मर्जी के खिलाफ नहीं होगा, सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी के अनुसार ही होगा, फिर चिंता किस बात की। और जब उसकी मर्जी से ही होगा तो फिर उसमें, और वो नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए, होगा वो ही जो होना है, तो फिर चिंता किस चीज की करें। चिंता की बजाय क्यों ना हम चिंतन में लगे। लगभग एक सर्वे लगभग 450 उन बुजुर्गों में से किया गया जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर थी, उनसे डिस्कस करके ये पता लगाया गया कि उनकी उम्र का राज क्या है। जब हमने उनसे डिस्कशन की तो कुछ ये चीजें सामने आई जो हमें लंबी उम्र अच्छी सेहत में हेल्प कर सकती है। क्या है उन्होंने बताया, जब मुझसे पूछा गया कि आप बताइए आप क्या करते रहे, उन्होंने कहा रिमेन बिजी, हम इधर उधर नहीं घूमते रहे, इधर उधर की बातें नहीं करते रहे, पर अपने आप को बिजी रखा, किसी भी काम में लगाए रखा और सब मामलों में सही बरतते रहे। बोलना कम है, सोना कम है, खाना कम है, कम से कम सादा भोजन उन्होंने खाया। वे जीवन को छोटे छोटे ओकेजन को एंजॉय करते रहे, ये नहीं सोचते रहे कि तो बहुत बड़ा अच्छा ओकेजन आएगा तो उस पे वे एंजॉय करेंगे। जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे, उन्हें चिंता और मौत का डर कभी नहीं सताता था। वो जब उस परमात्मा का नाम लेते थे, उन पर भरोसा था, तो वो कभी ये नहीं सोचते थे कि हमारी मौत आ जाएगी या कोई नुकसान हो जाएगा किसी भी तरह का, वैसा कभी नहीं सोचते थे। अपने मन में शांति और आस्था रखते थे, उनके मन में हमेशा शांति रहती थी। वे छोटी छोटी बातों से लड़ने, गुस्से में लड़ने झगड़ने नहीं लग जाते थे, बड़ी शांति से बात सुनते थे और बड़ी शांति से उसका हाल निकाल देते थे। डीप ब्रीदिंग, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसमें शक नहीं है, अलोम विलोम और भी विधियां हैं, लेकिन जो डीप ब्रीदिंग है ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है ऑक्सीजन के लिए। ये हमें करना है और वो चैंटिंग ओम, वो किसी भी तरह का धार्मिक मंत्र का जाप करते थे। अब है इसके अलावा भी हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अपने आप से कहना कि चिंता बुरी आदत है। जब हम अपने आप से कहेंगे कि चिंता बुरी आदत है, तो जब हम चिंता करने लगेंगे तो हम कहेंगे कि देखो, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि चिंता बुरी आदत है, दूसरी तरफ हम इसको पकड़ के बैठे। अपनी पूरी ताकत आस्था में लगाएं, चाहे कोई जितना मर्जी कह दे कि परमात्मा नहीं है, गॉड नहीं है, अल्लाह नहीं है, वाहेगुरु नहीं है, हमने पूरी आस्था के साथ उसमें मन लगाना है। अब जो सुबह सुबह उठे तो आई हैव
फुल फेथ इन मी एंड गॉड, कि मुझे पूरा फेथ है अपने ऊपर और उस परमात्मा के ऊपर। मन में, मन की फितरत है कि ये नेगेटिव आइडियाज हमेशा मन में लाए रखता है। हमने पूरी कोशिश करनी है कि नेगेटिव आइडियाज की जगह हमने पॉजिटिव आइडियाज रखने हैं। अब हमने, हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं हालात बहुत खराब हैं, आदमी बहुत मर रहे हैं, किसी को ये नहीं मिल रहा, किसी को वो नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं कि हम एक अच्छी सर्विस कर रहे हैं, पर नहीं। हमने जो वरी है उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उधर चला जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान तो ऑलरेडी उधर सैचुरेटेड है। उसकी जगह हमने उस परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस वाहेगुरु का, उस कृष्णा का ध्यान करना है और उसकी तरफ पूरी डिवोशन से काम करना है। और जब हम अपनी ड्यूटी निभा लेते हैं तो हमने प्रेयर करनी है कि ये जो मानव सोसाइटी है रिस्क में पड़ गई है, इसकी मदद करो। अब हमने कोशिश करनी है कि जो हमारे फ्रेंड्स हो, जो हमारा फ्रेंडशिप सर्कल हो, वो पॉजिटिव थॉट्स वाला हो, ना कि नेगेटिव थॉट्स वाला। पॉजिटिव थॉट्स वाला जो होगा, जब हम नेगेटिव में फंसे हुए होंगे, चिंता में फंसे हुए होंगे, तो वो अपने पॉजिटिव थॉट्स और आइडियोलॉजी से हमें नेगेटिव से बाहर ले आएगा। नेगेटिव वाला तो नेगेटिव की तरफ ही खींचता चला जाए। देखिए, हमने देखा है, जहां हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इसमें हम बुरी तरह से नेगेटिव थॉट्स में फंसे हुए हैं। जब भी रोज हम नेगेटिव चीजें सुनते हैं तो हमारा मन नेगेटिव चला जाता है, बजाय इसके कि हम कहें कि वो अगर पता चलता है कोई चला गया है तो हम उस परमात्मा से प्रेयर करें और ये कहें कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। हम खुद नेगेटिव में चले जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें इस समय में उस परमात्मा के साथ ही जुड़े रहना है। वैसे तो कोई भी समय हो, हमें उस परमात्मा के साथ जुड़े रहना जरूरी है। और जब इस तरह की महामारी चल रही है, इस समय में तो हमारा सबका उस परमात्मा के साथ एक हो जाना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।